हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांत, दांतों में बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती हैं। दांतों का हिलना, दांतों में दर्द होना, दांतों में केविटी होना, मसूड़ों में इन्फेक्शन होना, दांतों में खाना फंसना, या फिर दांतों का वीक होना यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से। या आजकल हम बात करें तो खान पीन हमारा इतना ज़्यादा वो हो चुका है, अच्छा नहीं रहता है, हेल्दी नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमारे दांत है वो मजबूत नहीं हो पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिसको अगर आप करते हो तो इससे आपके दांत है वो मजबूत बनते हैं, हेल्दी बनते हैं, और साथ ही अगर आपके दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ऐसा क्या करें कि हमारे दांतों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, दांत में दर्द ना हो, दांत में कैविटी ना हो, दांत एकदम मजबूत हो, उम्र से पहले हिले ना। क्योंकि क्या होता है कि दांतों का हिलना भी काफ़ी आम हो गया है आजकल। पहले की बात करें तो दांत है वो 50 से 60 साल की उम्र में भी काफ़ी मजबूत होते थे, लेकिन आजकल तो 25-30 की उम्र में भी दांतों का हिलना शुरू हो गया है। तो क्या किया जाए जो हम इससे बच सके? तो सबसे पहली जो चीज़ है, मैं स्टार्ट में ही आपको बता देती हूँ कि अगर आप सुबह सुबह ब्रश करते हो, वैसे तो रात को ब्रश जरूर कीजिएगा, लेकिन जब सुबह ब्रश करते हो तो ब्रश करने के 10 मिनट पहले मैं आपको जो बता रही हूँ वो कीजिए। उससे आपके दांत मजबूत होंगे, दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दूर होएगी, साथ ही मुंह की जो प्रॉब्लम होती है ओरल से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है बहुत सारी होती है, जैसे कि छाले बनना, जीभ वाइट रंग के पैचेस बन जाते हैं वो बनना, मुंह से बदबू आना, वो भी दूर होएगा। तो क्या है वो चीज़? आपको ब्रश करने से 10 से 15 मिनट पहले ऑयल पुलिंग करना है। ऑयल पुलिंग एक ऐसा आयुर्वेदिक तरीका है जो आपके दांतों मसूड़ों को तो स्वस्थ रखते ही है, साथ ही साथ आपके शरीर को हेल्दी बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं। तो आपको क्या करना है, रोज़ सुबह तिली का तेल या फिर आपको नारियल का तेल लेना है, अगर आप चाहे तो ओलिव ऑयल भी ले सकते हो। 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच तक आप अपने मुँह में डालिए और अच्छे से घुमाइए अपने गम्स में, अपने ऐसे जैसे कुल्ला करते हैं ना, वैसे अच्छे से कुल्ले की तरह रिंस कीजिए अंदर माउथ में। कुछ देर तक जितनी देर मुंह में रख सकते हो उतनी देर मुंह में रखिए, फिर आप उसको स्पिट कर दीजिए, थूक दीजिए, फिर आप 2 चम्मच लीजिए, फिर उसको अच्छे से घुमाइए, कुछ देर तक मुंह में रखिए, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर आप उसको स्पिट कर दीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट तक कीजिए। इसको ऑयल पुलिंग कहते हैं। याद रखना है कि जो ऑयल मुँह में लिया है वो किसी भी मतलब कंडीशन में निगलना नहीं चाहिए, आपको उसको बाहर ही स्पिट करना है, क्योंकि उसके अंदर जो ख़राब बैक्टीरिया होते हैं वो घुल जाते हैं। अगर आप स्पिट नहीं करते हो, अंदर निगल लेते हो, तो इससे आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो जब आप स्पिट कर देते हो तो जितने भी मुंह के बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ऑयल पुलिंग से क्या होता है कि आपकी ख़राब जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, घुल के उसमें बाहर निकल आते हैं, साथ ही आपके जर्म्स जो होते हैं जिनकी वजह से कैविटी होती है, प्लाक जमने वाला, क्योंकि खाना जब हम खाते हैं तो वहाँ पे छोटी छोटी लेयर बन जाती है, प्लाक है वो धीरे धीरे कैलकुलस सेंटाटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑयल पुलिंग करते हो तो प्लाक कैलकुलस में कन्वर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन नहीं होता है, मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, दांतों का हिलना नहीं होता है। दांत क्यों हिलते हैं? क्योंकि दांतों के बीच में जो खाना फंसता है वो टार्टर में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे मसूड़ों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से मसूड़े अपनी जगह से हटने लग जाते हैं और दांत है वो हिलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये जमेगा ही नहीं तो आपके दांत हमेशा मजबूत रहेंगे, हिलेंगे नहीं, कैविटी नहीं होगी, मसूड़ों में इन्फेक्शन नहीं होगा, तो दर्द भी होने के चांसेज है वो कम हो जाते हैं। साथ ही आपके मुंह से अगर कोई भी किसी भी कारण से स्मेल आती है, चाहे टंग की वजह से आ रही है, चाहे गम्स की या पायरिया की वजह से आ रही है, तो वो भी दूर होती है, मुंह से स्मेल दूर होती है। किसी भी कारण से अगर आपके बार बार छाले हो रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि जो नारियल का तेल आप यूज़ कर रहे हो उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके मुंह में मौजूद जितने भी फंजाई होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही गुड जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुंह और गम्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ज़रूरी होते हैं, उनको भी इंक्रीज करते हैं, उनके ग्रोथ को बढ़ाते हैं।
तो ऑयल पुलिंग बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए। ये हमारे दांतों को मजबूत करती है, मसूड़ों को स्वस्थ रखती है, साथ ही साथ मुंह से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसको भी दूर करती है। ये जो ऑयल पुलिंग है वो आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर रेगुलर नहीं कर पाओ तो हफ्ते में 3 बार करते हो तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, आपके दांत हेल्दी और मजबूत बनते हैं। इसके अलावा रात को सोने से पहले ब्रश, ब्रश के साथ, ब्रश तो मोस्टली हम लोग एडवाइस करते ही हैं, लेकिन ब्रश के साथ फ्लॉस ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फ्लॉस करते हो तो दो दांतों के बीच में जो खाना फंसता है वो निकल जाता है, और अगर वो खाना निकल जाएगा तो प्लाक टाटर नहीं बनेगा, टाटर नहीं बनेगा तो आपके मसूड़े मजबूत रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो दांत हिलेंगे नहीं और आपके दांत है वो भी मजबूत होते हैं। इसके अलावा आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ली भी कर सकते हैं। दिन में अगर आपको समय मिले तो एक बार जरूर कीजिएगा, नहीं मिलता है तो कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ली कीजिएगा। ये एक नेचुरल माउथवॉश का काम करता है, नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है, जो आपके मसूड़ों में जितने भी खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और आपके दांतों और मसूड़ों दोनों को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक का काम भी करता है, इससे आपके दांत और मसूड़े हेल्दी रहते हैं। दांतों और मसूड़ों में फंसा हुआ सारा खाना है, बैक्टीरिया, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो निकल जाता है, जिसकी वजह से आपके दांतों की हिलने की प्रॉब्लम दूर होती है, अक्कल दाढ़ में कोई प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है। तो इस तरीके से आप अपने दांतों और मसूड़ों को हेल्दी और मजबूत बना सकते हो। साथ ही 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट कीजिए। अगर आपके कोई भी ओरल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट आपको देख के, चेक करके आपको बता सकते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है या आगे हो सकती है, तो आपको पहले ही पता होगा, तो आपके और जो फर्दर प्रॉब्लम्स होती है उनसे आप बच सकते हो। साथ ही साथ आपको अपने डाइट का स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड्स खाते हो तो वो भी आपके दांतों को ख़राब करते हैं, दांतों को मतलब आपके वीक बनाते हैं। और बहुत सारे लोग जिनको कैल्शियम की कमी रहती है, क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो ऑटोमेटिक आपके दांत हैं वो वीक हो जाते हैं। तो जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जैसे दूध, दही, पनीर, वो आपको डाइट में शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी अपने डाइट में जितना हो सके उतना शामिल कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।